आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा तो खुद जोड़ लेगा और बेटा अगर कपूत होगा कितना भी जोड़ कर चले जाना वो भी राख में मिला देगा। ये आपके ऊपर है। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? आप सबको मालूम होगा पहले सर्कस में शेर आता था। अरे बोलो सही है कि गलत है? आता था कि नहीं आता था? आजकल आता है क्या? नहीं। क्यों? गवर्नमेंट ने, वन विभाग वालों ने कहा जितने भी सर्कस में शेर हैं इन शेर को छुड़ाओ और जंगल में छुड़वाओ। सारे शेरों को, जितने भी सर्कस में थे उन सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया और वन विभाग वालों ने उनका सर्च किया तो मालूम पड़ा जिस शेर को सर्कस में छुड़वा कर वन में भेजा था उसको दो कुत्तों ने मारकर खा लिया। किसको? अरे बोलो जम के, शेर को। जो शेर जंगल में रहता था सारे जीवों का शिकार करता था उस शेर का शिकार दो कुत्तों ने कर लिया। क्यों? क्योंकि उस शेर को पिंजरे में रहने की आदत हो गई थी, पिंजरे में हंटर में दब दब कर रहता था। मेरा आपसे केवल एक निवेदन है, अपने घर के बच्चों को सर्कस का शेर मत बनाना कि दूसरे शिकार कर लें, अपने घर के बच्चों को जंगल का शेर बनाना कि वो कहीं पर भी डट जाए पर पीछे ना हट पाए। कल अपन ने गीत गाया था, यहाँ चोरी छाती वीरों की, यहाँ भोली सकले हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती। अपने बच्चों को ऐसा मत बनाओ कि बाप की जायदाद पे मेरे पापा के पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। बच्चों से कह देना ये तुम्हारा नहीं है, याद रखना। खुद जोड़ो, खुद पढ़ो, खुद आगे बढ़ो और बाप की जायदाद को अपना मत समझना, नहीं तो कभी भी सीओर चली गई तो गौशाला में सब देखे आ जाऊंगी। बोल देना तुम्हारा नहीं है और हमारे भरोसे पर जीना नहीं है। अपने घर के बच्चों को पिंजरे का शेर नहीं बनाना कि उनको बता दिया हमारे पास इतना है, गाड़ी है, बंगला है, प्लाट है, जमीन है, बहुत है। अरे बहुत है, हमारी जिंदगी तो निकल जाएगी। बच्चों ने सोच लिया, आज के लड़के यही सोचते हैं, इसलिए तो बाप के पास में इतना छोटा सा मोबाइल होता है और घर के छोटे छोटे बच्चे के पास व्हाट्सएप चलाने वाला मोबाइल होता है। अगर बच्चों को मालूम होता कि मेरे बाप के पास कुछ नहीं है तो बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि पापा से कहता पापा मुझे 10,000 का मोबाइल दिला दे, पापा मुझे 15,000 का मोबाइल दिला दे। क्योंकि बच्चों को मालूम है हमारा पिता कंजूस है, जोड़ जोड़ के रख रहा है, आएगा तो हमारे काम कुछ भी हो। और बापों से निवेदन है कि दो रोटी बिना घी की खाने की जगह प्रेम से खाओ, क्योंकि ये तुम्हारी औलाद तुमको दो रोटी देने वाली नहीं है बुढ़ापे में। होशियार रह कर लेना और खूब पढ़ाओ बच्चों को, मना नहीं है। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब कुछ बनाओ। आज के जमाने में होड़ लगी है मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, सीए बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी। खूब बनाओ बच्चों को, पर सबसे पहले बच्चों को संस्कारित बनाना। क्योंकि हमने कई घरों के बच्चों को देखा कि डॉक्टर बनने के बाद भी घर में माँ तड़प तड़प के मरती है और घर का बेटा अपना कमरा छोड़कर नहीं आता है। बच्चों को देखा, संस्कार नहीं है ना। डॉक्टर तो बनाया, इंजीनियर तो बनाया, तुमने बच्चों को सीए तो बनाया, सब कुछ बनाया और एक होड़ मेरा बच्चा पढ़ जाए, लिख जाए और बच्चा फिर तो वो सुरेंद्र शर्मा क्या गलत किया? वो कवि सुरेंद्र शर्मा राजस्थान का, हरियाणा का, उसका इंटरव्यू लिया गया तो उससे पूछा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो कहले एक लड़का। क्या पढ़ा? तो कि एक बार 11वीं क्लास में 98% लेकर आया। फिर सुरेंद्र शर्मा बोले मैंने जूता उठा के धो दिया। अरे तो 98% लाया तो जूता क्यों मारा? तो के 98 क्यों लाया? अगली बार मेरा बच्चा 12th में 55% लाया, मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। वो पूछा क्यों? कहने लगे मेरा बेटा अगर 98% लाता रहता
खूब आगे बढ़ता रहता तो एक दिन मुझे छोड़कर मुंबई या पुणे या बेंगलोर सर्विस करने भाग जाता, औलाद मैंने अपने लिए पैदा करी कि दूसरे के लिए पैदा करी। अब 55% लाता रहेगा तो मेरा घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो सेवा तो मेरे औलाद तो मैंने अपने लिए पैदा करी कि दूसरे के लिए पैदा करी, और लगा कर मेरा बच्चा खूब पढ़े, आगे बढ़े, बढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर उसके साथ में बच्चों को संस्कारित बनाओ। पढ़ाने के साथ में संस्कार होना